तो दोस्तों अभी हो चुकी है रात और अभी हम निकल रहे हैं कुल्ला फिश मार्केट के लिए, क्योंकि वहां से लाना है हमें बहुत सारे सरप्राइजेस जो कि आपको पता चलते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलो यार दोस्तों अभी मैं जल्दी जल्दी निकलता हूँ। मेरे साथ दोस्तों इस बार आ रहा है मेरा दोस्त मतलब विशाल भाई। ठीक है विशाल भाई, और मैं अभी निकल रहा हूँ। तो चलो भाई अभी जल्दी जल्दी मैं रेडी होता हूँ और निकलते हैं कुल्ला फिश मार्केट के लिए। तो अभी हम निकल चुके हैं और मेरे साथ हमारे विशाल भाई भी है। हेलो भाई, फर्स्ट टाइम आ रहा है ना विशाल? तो कुल्ला मार्केट पहले आया है? अच्छा, तो चलो भाई अभी हम इस बार है ना बस से जा रहे हैं। अभी हमें बस ढूंढनी होगी, हमारी बस यहाँ पे लगने वाली है। अभी यार बस आने में थोड़ा वक्त है, थोड़ा इंतज़ार करना होगा। बस जैसे आती है हम वैसे निकलते हैं। फाइनली इंतज़ार ख़त्म और हमारी जो बस है वो आ चुकी है। अरे सीट नंबर क्या है वो भी देख ले, शायद से 3 और 4 है। ओ भाई साहब, सीट मिल चुकी है। अभी निकलते हैं दोस्तों मार्केट की ओर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मॉर्निंग हो चुकी है और हमारा जो ट्रैवलिंग है अभी भी चल रहा है यार। रात को हम बैठे थे, अभी मॉर्निंग को पहुंच चुके हैं और अभी हमें मुंबई का दर्शन हो चुका है। थोड़ी ही देर में हमारा लोकेशन आने वाला है। हाइडिंग स्पेस का प्रॉपर इस्तेमाल करते हुए हम देख रहे हैं दोस्तों रेड टेल शार्क फिश। भाई साहब देखो यार, कलर वीडियो कितनी सारी। और दोस्तों यहाँ पे है बड़े बड़े साइज की शॉर्ट टेल, जो कि आप भाई इनकी साइज देख सकते हो यार, फुल्ली रेड कलर है यार। अल्बाइनो चॉकलेट कैटफिश, हमारे यहाँ पे चॉकलेट कैटफिश बोलते हैं भाई इसको। और ये देखो यार, ये फुल्ली अल्बाइनो छोटे छोटे बच्चे यार, ये कितने क्यूट लग रहे। कॉर्नेट सिकलेट्स, जो कि बिल्कुल पोलर पैरेट के जैसे दिखती है, सिर्फ ये लंबी लंबी होती है। और देखो कितनी क्यूट है यार ये। और यहाँ पे देखिए ज्वेल फिश, कॉर्नेट लेवल का मोटे साइज है, छोटे साइज है, क्यूट क्यूट पोलर पैरेट्स। वाओ ये देखो भाई, अल्बाइनो कलर है और ब्लू कलर है भाई साहब। हूं हूं ऊपर के टैंक देखिए कौन से है। हां ना ना भाई से बोलते भाई कलर वीडियो, इसका कलर देखो यार कितना ग्लो कर रहा है दोस्तों ब्लू कलर के बैकग्राउंड में। बिल्कुल भाई 1 फीट से भी लंबी ये है दोस्तों जापानीज कोई, बहुत बड़ी साइज है यार इनकी। भाई साहब ये देखो यार कितनी ब्यूटीफुल है दोस्तों ये कोई। वाओ भाई, फ्रेश वाटर में वाइट कलर के लाइट में शार्क फिश क्या ही लुक देती है भाई। ये देखो यार इनका कलर देखो भाई, क्या ही ग्लो हो रहा है। वाओ यार ये देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल ये सारी है जापानीज कोई। और ये पॉन्ड में क्या ही लुक देगी यार, देखो ना इनका कलर देख सकते हो भाई। एक्वेरियम में इतनी अच्छी लग रही है भाई, पॉन्ड में क्या भाई, क्या ब्यूटीफुल लगेगी भाई। वाह यार ज़बरदस्त। हमारी जो कोई थी ना यार ऐसी नहीं थी, थोड़ी नॉर्मल थी और इनसे छोटी थी, ये बहुत बड़े साइज की कोईज है दोस्तों। वाह 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 क्या ही भाई, इनका कलर पैटर्न देखो यार ज़बरदस्त। वाह ये ब्लैक सोल्जर लार्वे भाई सारे के सारे जिंदा है और देखने में बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। और दोस्तों एक मॉन्स्टर टैंक देखा भाई, उसमें बड़ा साइज का एक अरवाना है और उसके साथ है भाई पिकॉक बास। भाई साहब इनकी साइज बहुत बड़ी है यार। और उसके ही साइड में मैंने छोटे साइज के अरवानास भी देखे। गोल्डन हेलमेट, रेड टेल, गोल्डन अरवाना, फ्लोरॉन। दोस्तों इस वाले फिश को तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है भाई, और इसके ऊपर है ना हल्का सा वाइट कलर है और ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं भाई, सिकलेटी लग रहे हैं मुझे ये। और ये नहीं पता भाई कौन सा है, ये भी बड़े क्यूट फिश है। यहाँ पे एंजल है और मैंने भाई को पूछा है कौन सा एंजल है, भाई बोले कि स्मोकी एंजल फिश है और बड़े ही क्यूट है यार ये भी। लिटिल लिटिल क्यूट क्यूट रेड कलर के श्रिम्प और ये दिखने में बड़े ही अच्छे लगते हैं यार। ये देखो भाई यहाँ पे ब्लैक कलर के भी है, ब्लू कलर के भी है। वाह यार ये पूरा श्रिम्प का टैंक है दोस्तों, और इस बार मैं ना श्रिम्प भी लेके जाने वाला हूँ भाई। तो ये देखो बहुत सारे श्रिम्प है यार यहाँ पे, और पता नहीं ये कौन सा कलर है, मिडल वाला हल्का सा रेड कलर है। और दोस्तों ये वाला भी मैंने फिश देखा जो कि मुझे बहुत रेयर लगा भाई। ये देखो ये दो ही है इस वाले टैंक में, ये भी मुझे सिकलेटी लग रहे हैं, कौन से सिकलेट है पता नहीं, दो नहीं भाई 3-4 है यहाँ पे पीछे भी स्पॉन फिल्टर के। और ये देखो भाई ये कौन सा फिश है भाई, बिल्कुल ये फ्लोरन जैसे ही लग रहा है, और फ्लोरन ही लग रहा है भाई। और इसके बाजू में बिल्कुल बड़े साइज का एक फ्लोरन है, वो फीमेल लग रही है यार मुझे फ्लोरन की, ये तो मेल ही कन्फर्म। अभी ना दोस्तों आपको मैं एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फिश दिखाता हूँ, ये देखो भाई वाओ, ये सी एंजल फिश जैसी ही दिख रही है और एक क्लॉन फिश। वाओ यार क्या ही लुक दे रहा है भाई ये वाला टैंक। और इसका जो फिल्ट्रेशन है ये सारा का सारा नीचे है,
क्योंकि बहुत बड़ा है भाई। भाई साहब एक बड़े साइज का अरवाना फिश। और दोस्तों यहाँ पे देखे मैंने बहुत सारे सिकलेट्स और उसमें फ्लोरन सेट है भाई इनके साथ। भाई ये कौन से फिश है पता नहीं यार, आप ही मुझे कमेंट्स में बताना भाई। इनकी टेल देखो यार भाई, यार फर्स्ट टाइम देखे मैंने। और यहाँ पे अभी मॉन्स्टर फिशेस को फीडिंग हो रही है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर फिश है भाई, बड़े बड़े साइज के। ये देखो भाई रेड टेल कैट फिश। ओह भाई साहब इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स है भाई यहाँ पे, ऑस्कर से। और पता नहीं भाई ये कौन से, रेड टेल तो बहुत बड़ी साइज की है। और यहाँ पे एक कैट फिश भी है, पता नहीं ये कौन सी कैट फिश है। और ऑस्कर भाई अपने बॉब के जितने बड़े होंगे ये। और यहाँ पे देखो मैंने पैकू पिराना जैसे ये फिश है, सिर्फ इसका जो कलर है ये ब्लैक कलर है। भाई 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 भाई। और यहाँ पे है एल्बिनो पैकू। और यहाँ पे है गोल्ड, ये इंपोर्टेड गोल्ड लग रही है दोस्तों मुझे। और यहाँ पे है डिस्कस फिश। और दोस्तों ये टैंक सेटअप देख सकते हो आप, बहुत ही रेयर लग रहा है और बिल्कुल यूनिक लग रहा है यार। और इसमें है मिल्की कोइस, देखो भाई क्या ही बनाया भाई ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई ये वाला सेटअप। यहाँ पे है दोस्तों बड़े साइज़ की सिकलेट्स, जो भी देख सकते हो यार फुल्ली एडल्ट साइज़ है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने टैंक देखे, ये भी बहुत बड़े बड़े टैंक हैं और सारे थे कर्व वाले टैंक है भाई। ये देखो नीचे भी ऊपर भी, छोटे साइज़ है बड़े साइज़ है मिडल है भाई। ये देखो अभी दोस्तों आ चुका हूँ मैं दूसरा एक्वेरियम शॉप। और यहाँ पे देखते हैं भाई मेरी नज़र पड़ी एक छोटा सा टैंक सेटअप, जो कि यहाँ पे सब जितने भी आप फिश देख रहे हो ना दोस्तों, ये सारी समंदर वाली फिश है भाई। और इनका आप कलर भी देख सकते हो भाई, क्या ही कलर लग रहा है भाई। और सारी की सारी कितनी ज़्यादा एक्टिव है भाई ये। और यहाँ पे देखो भाई करवाना फिश, ये देखो भाई हमारे सेम बॉब के साइज़ के जितने बड़े साइज़ के ऑस्कर्स। और यहाँ पे तो सारे स्मॉल टेट्रास वगैरह, और जो बड़े मॉन्स्टर्स है डिस्कस वगैरह, और जो स्प्रिंग रे, ये देखो भाई बहुत सारे रामा रोजी। यहाँ पे है कलरफुल गप्पीज और उसमें अलग अलग वैरायटी के टेट्रास, वाओ। और यहाँ पे है ब्लैक श्रिंप, एक स्ट्रिंग रे और उसके साथ एक अरवाना, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है भाई स्ट्रिंग रे, उसके ऊपर वाइट स्पॉट देख सकते हो। और अरवाना भी देखो यार, ये देखो काफ़ी ब्यूटीफुल लगा भाई मुझे। दोस्तों ये कौन सी फिश है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये देखो भाई ये रेड टेल शार्क फिश। दोस्तों ये देख सकते हो भाई बहुत सारी क्रे फिश, जो कि ये देखो भाई अलग अलग कलर में, रेड कलर है, वाइट कलर है, ब्लैक कलर है। और मैं इनको बहुत ज़्यादा डरता हूँ भाई, ठीक है। ये देखो ये वाइट कलर में है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है भाई। ये सारी हमारे जो ये करे, ये सारी क्रे फिश इतने ज़्यादा एक्टिव है भाई, ये देखो हाथ लगाती है भाग जाती है। ये देखो भाई, ये देखो भाई, भाई ये वाला जो टैंक है ना, इसको देखने में एक अलग ही मज़ा है भाई। ये देखो ये फुल्ली लोड है भाई, कोई फिश, शार्क फिश। और यहाँ पे है सारा बेटा फिश का कलेक्शन। ये देखो यार क्या चीज़ लग रही है भाई देखने में, कोई फिश की साइज देखो। यहाँ पे है दोस्तों फ्लोरॉन, बहुत सारी फ्लोरॉन है भाई। ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी फ्लोरॉन के, और मैं जहाँ पे हाथ लूँगा ना ये सारे मेरे पीछे आएंगे। ये देखो वाव यार ये क्यूट फ्लोरॉन है भाई। इसमें से विशाल भाई को तो एक दो पसंद आ गई है, शायद से विशाल भाई इनको ले रहा है। ये देखो यार है ना कमाल की चीज़। ये वाला जो टैंक है दोस्तों आपको पता है अभी इसकी साइपोमिंग हो रही है, ये तो मेरा फेवरेट टैंक सेटअप है यार। ये देखो यार इसमें जो कोई ना भाई 2 फीट के आसपास जरूर होगी यार। और ये देखो यार ये रेड कलर की कोई से, भाई साहब क्या लग रहा है भाई, ऊपर से बारिश का माहौल है। फाउंटेन शायद से ना, फाउंटेन है ये देखो। यहाँ पे एक सारस बैठा है ये वाला, छोटे छोटे बर्ड्स भी दिख रहे होंगे आपको। ये देखो यहाँ पे एक बर्ड है, वाओ। ये देखो भाई स्नेक हेड चन्ना, क्या साइज है, वाव यार मेरा फेवरेट फिश है भाई ये देखो यार, वाव।
कौन सी अच्छी लग रही है इसमें से? ये देख ये अच्छी लग रही है ये दोनों ना। हाँ ठीक है, बहुत क्यूट नेट है भाई ये दो ले लेते फिर। हाँ ठीक है चलो। ये देखो भाई, तो दोस्तों अभी हम घर के और निकल चुके हैं, तो चलो यार अभी निकलते हैं। और मैंने बहुत सारे सरप्राइजेस लिए हैं जो कि आपको पता चलेगा कल के वीडियो में। और हम लोकेशन पे पहुंच गए, बट और यार 50 किलोमीटर हमें जाना था, जो कि मैं अभी मेरे दोस्त के ट्रक पे बैठ चुका हूँ। और अभी हम पहुंचेंगे सीधा 3 बजे यार, रात के 3 बजे पहुंचने वाले भाई, क्योंकि मेरे दोस्त का जो ट्रक है बहुत बड़ा है और ये बहुत स्लो भी चल रहा है। तो चलो यार दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करना, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।